एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सा फेस मास्क जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं बट हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी ही चीज़ों को यूज़ करके ये फेस मास्क बनाऊँगी जो आपकी स्किन के लिए मैजिक की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले आपको लेना है एक कंटेनर में पपाया का पाउडर, तो आपको 250 ग्राम तक ले लेना है ये पपाया का पाउडर। उसके बाद आपको एक और क्लीन कंटेनर में लेना है सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन का पाउडर। तो चंदन ऑलरेडी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो आपको इसे भी 250 ग्राम तक ले लेना है। उसके बाद एक क्लीन कंटेनर में मैं डालूंगी कुछ इस रेशियो में जिसको आपको ध्यान से देखना है। तो आपको एक चम्मच लेना है सैंडलवुड पाउडर और एक चम्मच लेना है आपको पपाया का पाउडर। उसके बाद एक चम्मच और आपको पपाया का पाउडर लेना है। उसके बाद हम लेंगे एक चम्मच सैंडलवुड पाउडर अगेन। तो इसके बाद आपको एक चम्मच पपाया का पाउडर लेना है, उसके बाद एक चम्मच सैंडलवुड पाउडर लेना है। बट इसमें एक और ट्रिक है, आपको थोड़ा सा और लेना है सैंडलवुड पाउडर। तो ये परफेक्ट रेशियो है, आपको इसी रेशियो में बनाना है ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो कुछ इस तरीके से ये पाउडर तैयार किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको इजीली मार्केट में ये सारे फेस पैक मिल जाएंगे और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमृत जैसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो इस मास्क को बनाने के लिए हमें लेना है एक चम्मच ये पाउडर जो दोनों का मिक्सचर हमने तैयार किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी संतरे का जूस, थोड़ा सा बस डालना है आपको, 2 चम्मच तक डालना है। ऑरेंज में बहुत सारा विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है और ग्लोइंग बनाता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपको ऐड करना है गुलाब जल। तो गुलाब जल आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर डालता है और एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको अपना फेस पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, एकदम क्लीन फेस पे आपको ये पैक लगाना है। तो उससे पहले आपको करना है संतरे के छिलके से अपने डेड स्किन को निकालना है यानी अच्छे से मसाज करना है। तो इस तरीके से आपको संतरे के छिलके का यूज़ करना है, ये आपकी स्किन की डेड सेल्स को निकाल देगा और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट देगा। और इसको बिना वॉश किए आपको लगाना है अपना पैक। तो पैक आपको पूरे फेस पे लगाना है, नेक एरिया में भी लगाना है। इस पैक में बहुत सारा विटामिन सी है और विटामिन ई है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा बनाएगा। विंटर में आपको जितनी भी सन टैन की प्रॉब्लम होती है धूप में बैठने की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो धुलने के बाद मेरा फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है और दाग धब्बे भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे आपके। उसके बाद मैं ये डालूंगी अपने फेस पर मैजिक की तरह काम करने वाला एलोवेरा जल। तो बोरो प्लस का ये एलोवेरा जल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसको रिसेंटली परचेज़ किया था और ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छा मॉइस्चर है इसमें, ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, इसमें विटामिन ई है, पैराबेन सल्फेट फ्री है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। तो आपको कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरा चेहरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सबके साथ शेयर करें। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।